यहाँ पे तो दो वोट हो चुका है पाची के लिए और सिंगल वोट है यहाँ पे पल्सर N160 के लिए। तो देवेंद्र तुम क्या कहते हो भाई? पता नहीं, अब ड्रैग रेस हो तो पता लगे कौन निकले इनका। चलो भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के नए व्लॉग में। आप हमारे सामने दो बाइक देख रहे होंगे, एक है पल्सर की ब्रांड न्यू N160 और दूसरी है हमारे पास अपाची की 164V। अगर इसकी पावर की बारे में बात करें तो इसका जो पावर जनरेट करता है वो है 17 PS का और ये जो पावर जनरेट करती है वो है 16 PS का। और अगर वहीं पे हम टॉर्क की बात करें दोनों में लगभग सेम ही जनरेट होता है। काफ़ी लोगों का काफ़ी दिनों से हमसे कहना है कि क्यों ना भाई तुम ड्रैग रेस क्यों नहीं करते, एक बार अपनी बाइक का कंपटीशन कर लो सेम पावर की बाइक के साथ। तो हमने सोचा कि अपने दोस्त को बुलाते हैं जो कि भाई यहाँ पे आ चुका है। तो भाई रेडी हो रेस के लिए ना? तो भाई एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये कह रहा है कि हाँ आज मैं आपके साथ रेस करने के लिए तैयार हूँ। तो देखते हैं रेस में कौन सी बाइक ज्यादा आगे जाती है या फिर। तो भाई तुमको क्या लगता है, तुम्हारी बाइक जीत जाएगी? हाँ भाई, हमको लगता है कि हमारी बाइक जीत जाएगी। तो भाई पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि इसकी अपाची जो है 164V ये जीत जाएगी और पल्सर N160 जो है वो हार जाएगी। तो यहाँ पे चलते हैं अपने दोस्त तेजस्वी, क्या करता है, क्या कहते हो तुम? भाई देखो यार, वो नई बाइक है, नई टेक्नोलॉजी से बनी है, तो पॉसिबिलिटी यही है वो जीत जाएगी। तो तेजस्वी का कहना है कि N160 जीतेगी और भाई का कहना है कि अपाची 160 जीतेगी। तो क्या करते हैं कि अभी दो लोग हमारे पास और हैं जो कि करण और भाई है यहाँ पर देवेंद्र। तो देवेंद्र तुम क्या कहते हो? भाई पता नहीं, अब ड्रैग रेस हो तो पता लगे कौन निकले इनका। तो कहना है रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तुम करण? तो हमारा तो यही कहना है कि अपाची जीतेगी भाई। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। भाई भी अपाची, मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे तो दो वोट हो चुका है अपाची के लिए और सिंगल वोट है यहाँ पे पल्सर N160 के लिए। मेरा खुद का कहना यार, मेरी बाइक है तो मैं ही जीतूंगा ना। तो दोस्तों जब आपका बजट होता है 1.5 लाख ना, तो आपके मन में दो ही बाइक्स का आइडिया आता है, एक होता है जो पल्सर की होती है और एक होता है जो अपाची होती है। तो अपाची 160 की बात आए तो ये भी करीब 1,45,000-50,000 की रेंज में मिल जाती है और जो हमारी बाइक आई है ये 1,55,000 की रेंज में मिली है मुझे। तो अगर आप राइडिंग के शौकीन हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रिजल्ट क्या है, कि N160 जीतती है कि या फिर अपाची जीतती है। तो आइए इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं और आप लोग आनंद लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी बाइक पर रेडी हो चुका हूँ पूरी तरीके से और भाई भी अपनी बाइक पर रेडी हो चुका है। तो भाई यहाँ पर अगर एग्जॉस्ट साउंड की बात किया जाए, भाई बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। 1, 2, 3 चलो। यार दोस्तों पूरी तरह से मैं यहाँ पे हार चुका हूँ और अपना भाई पूरी तरीके से जीत चुका है और क्या ही बताऊँ मैं क्या हुआ। अगर इनिशियल पिकअप की बात किया जाए तो इसका बेकार है यार, घटिया एकदम सा, और ये स्टार्टिंग में भी आगे निकली थी, आगे जाके मैं इसको हराया थोड़ी देर के लिए।
लेकिन वो मजा नहीं है। तो मैं N60 को भाई नहीं कहूंगा कि ड्रैग रेस के लिए ये सही है। 160cc का रॉकेट जिसे कहते थे, ये 160cc का क्या बताया डब्बा निकला। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन दोस्तों का कहना ये है कि 160 ये सीसी की बाइक जो है फर्स्ट सर्विस हुई है, इसीलिए जो है ये 116 और 117 के समथिंग ही भाग पाई। और तो कुल मिलाकर यहाँ पर अपाची 164 भी जीत चुकी है और मैं 160 लेकर N160 लेकर हार चुका हूँ। क्या बताऊँ मैं, शाम काफ़ी हो चुकी है तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दोबारा मैं शायद इसको 4 से 5 सर्विस के बाद मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, तब शायद मैं जीत सकूँ ये वाली रेस। अभी तो मैं फिलहाल हार चुका हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस रेस में और रिस्क भी बना रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको कौन सी बाइक पसंद है। अगर आप 1.5 लाख की रेंज में बाइक खरीदना पसंद करेंगे तो कौन सी लेंगे, वो अपाची वो रहेगी या फिर पल्सर की रहेगी। यहाँ पर हम पल्सर से मात खा चुके हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।